वर्ष 2020 मानव जाति के इतिहास का सबसे भयावह व कठिन वर्ष है। इस वर्ष कोविड-19 ने मानव जाति के प्रगति के पहिए पर विराम लगा दिया। पूरी मानव जाति लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में कैद होकर रह गई। लेकिन इस कठिन दौर में भी विज्ञान व विज्ञान के क्षेत्र के कर्मवीरों को अपने कर्तव्य निर्वहन से कोविड-19 रोक नहीं पाया। वैज्ञानिक लगातार कोरोना वायरस कोविड-19 के विषय में अनुसंधान में जुटे रहे तथा यह प्रयास लगातार जारी है कि कोविड-19 की वैक्सीन को शीघ्रातिशीघ्र विकसित करके मानव जाति को बचाया जा सके। चिकित्सक व चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति भी अपने अपने कर्तव्य निर्वहन में तत्पर दिखे। पुलिस व प्रशासन का तो इस कठिन दौर में अपनी कर्मठता व कर्तव्य परायणता के लिए सदैव नाम लिया जाता रहेगा। तात्पर्य यह है कि चाहे कितना भी कठिन दौर क्यों ना हो, विज्ञान के पहिए कभी नहीं रुकते हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद तथा विज्ञान से जुड़े अध्यापकों ने भी विज्ञान की प्रगति के इस महायज्ञ में अपनी आहुति स्वरूप 28वें बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन करवाने का निर्णय लिया। यद्यपि यह कार्य दुष्कर लग रहा था, परंतु कुशल नेतृत्व क्षमता व समर्पित विज्ञान अध्यापकों के सहयोग से बाल विज्ञान सम्मेलन को ऑनलाइन माध्यम से करवाने का एक प्रारूप तैयार हो पाया है। इस प्रारूप के अंतर्गत इस वर्ष बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। वर्ष 1993 में शुरू हुआ यह सफर निर्बाध रूप से जारी रहेगा। वर्ष 2020 में 28वें बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जूम एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रतियोगिता को पारदर्शी व सुचारू रूप से चलाने के लिए गूगल फॉर्म, कहूत व यूट्यूब का भी भरपूर उपयोग किया जाएगा। इस वर्ष के बाल विज्ञान सम्मेलन को पूर्ण रूप से विज्ञान व तकनीकी के भरपूर व समुचित उपयोग के द्वारा एक नया आयाम दिया जा रहा है। इस वर्ष का बाल विज्ञान सम्मेलन विज्ञान का विज्ञान के द्वारा विज्ञान के लिए एक अविस्मरणीय कार्यक्रम रहने वाला है। इस वर्ष नन्हे वैज्ञानिकों की इस विज्ञान यात्रा का प्रारंभ हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के द्वारा निर्मित एवं संचालित वेब पोर्टल पर पंजीकरण से प्रारंभ हुआ। वर्ष 2020 के लिए पूरे जिला शिमला से लगभग 1317 बाल वैज्ञानिकों ने अपना पंजीकरण करवाया है। कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत उपमंडल समन्वयकों के द्वारा अपने अपने उपमंडलों में पंजीकृत बाल वैज्ञानिकों व उनके मार्गदर्शक अध्यापकों का उनके वर्ग अर्थात जूनियर, सीनियर व सीनियर सेकेंडरी, उनके श्रेणी अर्थात ग्रामीण व शहरी तथा प्रतिस्पर्धा श्रेणी के अनुसार अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रत्येक मार्गदर्शक अध्यापक व प्रतिभागी बाल वैज्ञानिक तक त्वरित रूप से सभी सूचनाएं व दिशा निर्देश पहुंचा पाएगा। इसके अतिरिक्त उपमंडल समन्वयक अपने अपने उपमंडलों में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले नन्हे वैज्ञानिकों व उनके मार्गदर्शक अध्यापकों का क्षमता निर्माण अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन भी करेंगे। इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए तकनीकी के उपयोग के विषय में हम सभी इसी चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस के माध्यम से आप सभी कर्मठ व समर्पित अध्यापकों व बाल वैज्ञानिकों को अवगत करवाते रहेंगे। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।